मास्टर स्ट्रोक में आज एक तस्वीर पर छिड़े इंटरनेशनल घमासान का विश्लेषण करेंगे। इस एक तस्वीर की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र सवालों के घेरे में आ गई है। इस तस्वीर की वजह से दुनिया के ताकतवर मुल्कों पर उंगली उठ रही है। कटघरे में वो देश भी हैं जो आतंकवाद पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आतंक के खिलाफ इंटरनेशनल जंग की वकालत करते हैं। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी ये सवाल करेंगे कि आतंक के खिलाफ दुनिया की लड़ाई क्या एक दिखावा है या फिर आतंक की परिभाषा को नफे और नुकसान के हिसाब से तय किया जा रहा है। ये तस्वीर अफगानिस्तान से आई है जहां तालिबान को सत्ता में आए सिर्फ एक महीना ही पूरा हुआ है, लेकिन कलह इस कदर बढ़ गई है कि तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला ब्रादर को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। इस घमासान की इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले उस तस्वीर का विश्लेषण जिस पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। अफगानिस्तान से आई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। वजह जानने से पहले इस तस्वीर के उन दो किरदारों को पहचान लीजिए जिनकी वजह से इस तस्वीर पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। इस तस्वीर में बाईं ओर पगड़ी में बैठा यह शख्स है $1 करोड़ यानी 75 करोड़ रुपए का इनामी आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी, और सामने की ओर संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतिनिधिमंडल बैठा है जिसमें अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की मिशन की अध्यक्ष डेबोरा लियोन भी शामिल है। अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए। बाईं ओर जो तस्वीर है वो संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट की है जिसमें सिराजुद्दीन को आतंकियों की लिस्ट में रखा गया है। यूएन की वेबसाइट पर सिराजुद्दीन पर पूरा एक पेज मौजूद है जिसमें सिराजुद्दीन के आतंक का पूरा बायोडेटा मौजूद है, जबकि दाईं ओर इसी सिराजुद्दीन के साथ यूएन के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट जिस शख्स को खूंखार आतंकी कह रही है उसी के साथ यूएन के अफसरों की बैठक की ये तस्वीर सामने आई तो सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल यह है कि एक इनामी आतंकी के साथ यूएन के अफसर क्यों मिल रहे हैं? क्या अब यूएन सिराजुद्दीन हक्कानी को आतंकी नहीं मानता? क्या यूएन ने अब तालिबान के घोषित आतंकियों को छूट दे दी है, या फिर यूएन तालिबान के आगे मजबूर हो चुका है? सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसे कि तालिबान की सरकार में अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बनाया गया है, उसकी यूनाइटेड नेशंस के शीर्ष ऑफिशियल्स के साथ हुई बैठक यूनाइटेड नेशंस की मजबूरी को ही दर्शाता है। यूनाइटेड नेशंस इस बात को लेकर के बेहद चिंतित है कि अफगानिस्तान में जो अस्थिरता की स्थिति है उसकी वजह से एक सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकती है। सिराजुद्दीन हक्कानी आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क इतना ताकतवर हो गया है कि उसने तालिबान के बड़े बड़े नेताओं को किनारे कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। बरादर वो शख्स है जिसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान की नींव रखी, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी का रोड मैप बनाया, और उसी के बनाए रोडमैप पर अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें वापस लौटी और तालिबान का झंडा लहराया। तब तक बरादर के कद का एक भी नेता नजर नहीं आता था, लेकिन तालिबान के काबुल में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करते ही बरादर हाशिए पर जाने लगा। तालिबान सरकार की लिस्ट जारी हुई तो पीएम की कुर्सी से भी बरादर का पत्ता कट गया। इसके बाद तालिबान में कुर्सी की उठापटक तेज हुई और बरादर लापता हो गया। बरादर को आखिरी बार 7 सितंबर को देखा गया था। 11 सितंबर को काबुल में जब कतर का प्रतिनिधिमंडल आया तो उसने सभी तालिबानी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन बरादर नजर नहीं आया। इसके बाद खबर आई कि बरादर और हक्कानी गुट में झड़प हुई है। अगले ही दिन ये भी चर्चा शुरू हुई कि बरादर या तो मारा जा चुका है या फिर जख्मी है। दुनिया भर में जब बरादर को लेकर अफवाह जोर पकड़ने लगी तो तालिबान ने बरादर का एक ऑडियो जारी कर सफाई दी। इससे भी जब तालिबान में कलह की खबरों पर लगाम नहीं लगी तो 15 सितंबर को बरादर का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपने जिंदा होने का सबूत दिया। काबुल पर तालिबानी कब्जे के साथ ही कुर्सी को लेकर अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच खींचतान शुरू हो गई थी। जाहिर तौर पर मामला सत्ता की हिस्सेदारी और वर्चस्व का है। तालिबानी सरकार की पैदाइश में ISI की मदद से हक्कानी नेटवर्क का पलड़ा भारी हुआ तो जाहिर तौर पर इसको लेकर कई अफगान तालिबान गुटों में नाखुशी भी है और नाराजगी भी।
आईएसआई का साथ मिलने से हक्कानी नेटवर्क अफगान तालिबान पर हावी हो गया। तालिबान सरकार भी अब काफी हद तक हक्कानी की मुट्ठी में पहुंच चुकी है। इसका सबूत है पिछले एक महीने में अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रम। जी हां, हक्कानी की वजह से ही मजबूत नेता अब्दुल गनी बरादर प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया और आखिरी वक्त में उससे कुर्सी छिन गई। बरादर का पत्ता काटकर एक नया शख्स प्रधानमंत्री बना, हसन अखुंद, जो कि कमजोर माना जाता था प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, लेकिन उसको बिठा दिया गया। इसके बाद सरकार का ऐलान होने पर कई अहम मंत्रालय भी हक्कानी गुट को ही मिले और हक्कानी के विरोधी गुटों का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया। अब सरकार बनने के बाद फैसले भी हक्कानी के मुताबिक ही लिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री अखुंद हक्कानी के कठपुतली नजर आ रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि तालिबान गुट के मजबूत नेताओं का अब काबुल छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तालिबान सरकार पर हक्कानी गुट का कब्जा हो चुका है। ये सरकार के अब तक के फैसलों से में नजर भी आ रहा है। सारे फैसले हक्कानी के मुताबिक हो रहे हैं और बरादर गुट की एक भी नहीं चल रही है। हम आपको बता दें कि हक्कानी गुट शुरू से ये कहता रहा है कि सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं हो सकती, जबकि बरादर ने बार बार ये कहा था कि सरकार में महिलाओं को शामिल किया जाएगा, लेकिन आखिर में कैबिनेट में महिलाओं को जगह नहीं दी गई। इसी तरह हक्कानी गुट ये कहता रहा है कि महिलाओं के बुरके के लिए सख्त कानून जरूरी है, जबकि बरादर के मुताबिक इसके लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी, लेकिन सरकार बनते ही बुरका अनिवार्य हो गया। हक्कानी गुट शुरू से समावेशी सरकार का विरोध करता था, जबकि दोहा में बरादर और दूसरे अफगान तालिबान ये बार बार कह रहे थे कि समावेशी सरकार बनाई जाएगी, लेकिन यह भी आखिरी फैसला हक्कानी गुट के मुताबिक ही लिया गया। साफ है कि सरकार भले ही तालिबान की हो, लेकिन सरकार में सुप्रीम हक्कानी बना हुआ है। इससे दरार साफ दिखती है, उंगलियां हक्कानी नेटवर्क पर उठ रही हैं और इसीलिए वो सफाई भी दे रहे हैं। अनस हक्कानी समेत हक्कानी गुट के सभी बड़े नेता उस दिन से ही काबुल में मौजूद हैं जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ। तालिबान के दो सबसे बड़े चेहरे, जिनमें पहला नाम है हैबतुल्ला अखुंजादा का और दूसरा मुल्ला बरादर का, तो ये दोनों ही काबुल के बजाय कंधार में मौजूद हैं और काबुल में सिर्फ हक्कानी गुट के नेताओं का ही बोलबाला नजर आ रहा है। वर्तमान समय में तालिबान में हक्कानी नेटवर्क डोमिनेटिंग रोल में दिखाई देता है और उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सह भी हासिल है। हक्कानी नेटवर्क तालिबान की एक ऐसी सरकार बनाना चाहता था जिसमें कि सुन्नी पश्तून डोमिनेशन हो। सवाल यह है कि हक्कानी के इस ताकत की वजह क्या है, तो जवाब है पाकिस्तान। पहले आईएसआई चीफ ने काबुल पहुंचकर हक्कानी को सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय दिलाए और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी दुनिया में हक्कानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो अलग बात है कि इमरान की नासमझी से उनका मजाक ज्यादा बन गया है। सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में इमरान ने हक्कानी को पश्तून कबीला बता दिया, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के हक्कानिया मदरसे से पढ़े हुए लोग हक्कानी कहलाते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।